नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ऑन इलेवन और मैं हूं आपके साथ शिवानी। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव की राह पर चल पड़े हैं। अब तेज प्रताप यादव भी आरजेडी की सदस्यता अभियान में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बीते रविवार को आरजेडी दफ्तर में अचानक से तेज प्रताप दाखिल हुए और फिर सदस्यता अभियान की शुरुआत की उन्होंने। आपको बता दें कि वही मौके पर तेज प्रताप ने सैकड़ों छात्रों को पार्टी की सदस्यता दिलाई और दावा किया कि तय समय पर पार्टी अपने सदस्यता अभियान के टारगेट को पूरा कर लेगी। वहीं आरजेडी नेता ने ये कहा है कि हम और तेजस्वी मिलकर पार्टी की सदस्यता अभियान के टारगेट को 50 लाख तक पहुंचाएंगे। इसके लिए आज से यानी कि बीते रविवार से छात्रों को पार्टी से जोड़ने का काम भी शुरू किया गया है। वहीं बीते 20 अगस्त को पटना वापसी के बाद तेजस्वी ने 21 अगस्त को पटना स्टेशन पर दूध मंडी ध्वस्त किए जाने के बाद धरना पर बैठे थे। तब माना गया है था कि एक बार फिर तेजस्वी यादव सक्रिय राजनीति में वापसी कर चुके हैं और इस दौरान तेज प्रताप यादव भी तेजस्वी के साथ खड़े दिखे थे। और कहा यह भी गया था कि तेज प्रताप ने कहा था कि तेजस्वी यादव उनके अर्जुन हैं। गौरतलब हो कि बीते 23 अगस्त को तेजस्वी यादव ने अपने निर्वाचन क्षेत्र राघोपुर का भी दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए सदस्यता अभियान की शुरुआत की थी और तेजस्वी ने उस वक्त ये कहा था कि पूरे बिहार में आरजेडी का सदस्यता अभियान पहले से चल रहा है और 50 लाख लोगों को पार्टी का सदस्य बनाने का टारगेट भी रखा गया है। तेजस्वी ने यह भी बताया था कि पर्चा से सदस्य बनाने के साथ ही पार्टी ऑनलाइन सदस्यता अभियान भी चला रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष यानी कि तेजस्वी यादव काफी समय से राजनीति से दूर रहे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने वापसी की है और वापसी के बाद वो लगातार कोई ना कोई मुद्दे पर एक्टिव दिख रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव के ही राह पर चल रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से कल बिना बताया वो राजद के कार्यालय पहुंची और उन्होंने वहां पर छात्रों को राजद की सदस्यता अभियान सदस्यता से जोड़ा, उन्हें दाखिला दिया, लेकिन जिस तरह से तेज प्रताप यादव राजनीति से कहीं गायब है, वहीं उनके छोटे भाई भी कहीं गायब थे लेकिन अब वो वापसी कर चुके हैं, तो कहा यह भी जा सकता है कि ठीक तेजस्वी यादव के ही जैसे तेज प्रताप भी राजनीति में वापस आने को तैयार है। और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि वो पार्टी के 50 लाख सदस्य का जो जिम्मा दिया गया है वो उसे पूरा करेंगे, तो देखना यह है कि क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या ये दोनों भाई मिल करके राजद को आगे बढ़ाने का काम करते हैं या फिर नहीं। तो ऐसे ही तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे न्यूज 11। नमस्कार। न्यूज 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।